लंबन सर, चौबे सर और विकास सर, कुमार सर सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मौका भी आ गया और सबसे पहले क्लास टेंथ वालों को मैं अपने दिल से जो है आपका जो ये जो पार्टी का जो आपने हमें इंतजाम किया है अभी फेयरवेल जिसके कहते हैं उस फेयरवेल का, तो इसके लिए थोड़ा सा है कि आपका जो है गम उसको बोल रहे हैं कि गम का जुदाई का टाइम है कि क्लास टेंथ के बाद जो है आज के बाद हम शायद क्लास टेंथ में नहीं पढ़ेंगे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, आप अपने जो जिंदगी में आप जो बनना चाहते हैं और जो आपका लक्ष्य है आपके जिंदगी के, आपके माँ बाप ने जो सोच रखे हैं और आपने जो सोच रखे हैं आपका जो है, हम भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा लगातार बढ़ते रहें और दुआएं हमारे साथ है आपके जो भी जिंदगी में आप करना चाहते हैं उसके प्रति हमारा दुआएं आपके साथ है, समझाएं हैं। और एक दो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो जिंदगी का अहम मोड़ है ये जो स्टूडेंट का लाइफ का, कि हमारी जिंदगी में जो है आप जैसे क्लास टेंथ के बाद आप पास करेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो मेन मुद्दा जो होता है आपका ये जो कलम है आपका पेन, ये बहुत बड़ा हथियार होता है आपका। ये पेन जो है एक जिंदगी का आदमी को कि अगर जुर्म भी करता है ना जुर्म दूसरे के ऊपर तो उसको सजा के तौर पे जो है एक जज उसको जो है उसको साबित करता है पेन की वजह से। कोई पत्रकार एक हमारे देश में जो है या किसी भी देश में भी है क्रांति ला सकता है पेन के बदौलत। तो ये जो पेन है आपका ये जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह पाक ने हम लोगों को ये जो जिंदगी दी है ये उसका शुक्रगुजार अदा करना चाहिए कि जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं उस जिंदगी को जो गुजारे उस सही तरीके से गुजारे। आपका जो लक्ष्य होता है ना, जो आपका जैसे कि आपको घर से जैसे है, आप एक चीज में थोड़ी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे आप अगर सलीके से अगर उस चीज को सीखते हैं करते हैं तो जुड़वा होता है आपके अंदर तो काफी आगे हद तक वो चला जाता है। एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ कि एक आदमी है और किसी रास्ते से गुजर रहा है ना, तो उस रास्ते से जब गुजर रहा था तो तीन मजदूर एक घर में काम कर रहे थे, ठीक है। तो जब काम कर रहे थे तो तीन मजदूर में से एक जब आदमी जाता तो उसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो पहला मजदूर बोलता है दिख नहीं रहा है आपको क्या कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इस टाइप से जवाब देता है। फिर दूसरा मजदूर से यही सवाल सेम सवाल पूछता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो वो भी जवाब देता है दूसरे सवाल से। तो दूसरा आदमी जब बोलता है ये कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना ये रोजी रोटी के लिए अपने घर वालों के लिए काम कर रहा हूँ, और जो तीसरा फिर आगे बढ़ा जाता है ये सुन करके जवाब, तीसरा आदमी के पास से जाता है तो यही बोलता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुत हंसता है मुस्कुराता है, फिर वो बोलता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना इससे जो क्या है हमारा ये जो घर बना रहा हूँ इस घर में एक परिवार रहेगा, जो परिवार रहेगा और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इस छोटी सी कहानी में ये है कि जो पहला आदमी जो बोलता है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ तुम्हें दिख रहा नहीं, उसका जो है काम के प्रति उसको आकर्षित नहीं है, वो ये उसका मन नहीं है काम करने में, वो मजबूरन काम कर रहा है। और जो दूसरा आदमी है कि उसको घर वालों की जरूरत है, घर वालों को चलाना है। और तीसरे कहानी में था आपका तीसरा आदमी जो था वो जो काम कर रहा है मजदूर, उसके सोच के है उसका मेंटेलिटी जो है ना सोच है कि हमें जो जिंदगी में काम करना है ना कि हमें आर्थिक इस ये जो घर बना रहे हैं एक रहना जो है घर, इस घर में एक परिवार रहेगा वो सुखी परिवार होगा, क्योंकि घर जो होता है आपको बाहर की जिंदगी से बहुत अच्छा जिंदगी गुजरते हैं घर में। तो वो जो बना रहा है उसका सोच जो है एक प्रति है इसके प्रति, इसके जो प्रति जो सोच है कि घर को बनाना जो है वो एक परिवार की जिंदगी गुजारना है। तो जिंदगी गुजारने के लिए है एक अच्छा से जिंदगी जब भी गुजार सकते हैं ताकि आप एक सलीके से गुजार सकते हैं। तो सलीके होते हैं जिंदगी के बहुत सारे, आपको उतार चढ़ाव होते रहते हैं आपकी जिंदगी में आते रहते हैं, जिंदगी में घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और आपका जो लक्ष्य है आप लक्ष्य के प्रति आप हमेशा सजग रहें और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ, जब भी जरूरत पड़े क्वेश्चन की कोई भी चीज का हो आपको क्लास टेंथ का जैसे हमने उर्दू पढ़ाया आप लोगों को, उर्दू में किसी तरह की कोई भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट में रख सकते हैं। और SST हमने पढ़ाया आपको, SST में भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है आपका आपको इस टॉपिक अगर मिलता है राजनीतिक शास्त्र हो इतिहास हो तो आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं उस चीज को, हमने शुरू में भी क्लास में कई बार बताया आप लोगों को।
इतिहास का हो, भूगोल का है, हिस्ट्री का एक टॉपिक बता देते हैं हम आपको, उस टॉपिक पे आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाती है। तो बशर्ते कि उसको ध्यान से पढ़ लेना है आपको और एक चीज को माइंड में उसको बैठा लेना है और उसे आप खुद लिख सकते हैं, अच्छे नंबर पे ला सकते हैं। उससे आपको जो है बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा, उससे आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो रिजल्ट है इसमें, आप अच्छे रिजल्ट लाइए, हमारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को जय भारत। Thank you.